हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, इस चैनल का एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, बाइक का पार्ट्स कब बदले। उस वीडियो में मैंने आपको बाइक के पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट्स के इंपॉर्टेंस और चेंज इंटरवल के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस सेम टॉपिक पे मैंने स्कूटर के ऊपर भी वीडियो बना दिया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फ्रेंड्स, बाइक वाले वीडियो मैंने आपको एयर फिल्टर के बारे में नहीं बताया था, जिसको लेकर बहुत से लोगों ने कॉमेंट भी किया था। तो आगे इस वीडियो में आपको एयर फिल्टर के इंपॉर्टेंस और चेंज इंटरवल दोनों के बारे में डिटेल में बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में एयर फिल्टर क्यों जरूरी है और इसे चेंज करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए, कोई भी गाड़ी का इंजन हो, जब वो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है तो उस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए इंजन के सिलेंडर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं जलता है, पेट्रोल हवा के साथ मिक्स होके आता है और जो एयर और पेट्रोल का जो कंप्रेस्ड मिक्सचर है वो साथ में जलता है, जिससे कि जो हमारी गाड़ियों का इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, पेट्रोल तो हम सबको पता है कि जो फ्यूल टैंक में हम लोग पेट्रोल डलाते हैं वो पेट्रोल इंजन के सिलेंडर के अंदर में आ जाता है, लेकिन जो हवा आ रहा है वो हवा एटमोस्फेयरिक एयर होता है, यानी कि हमारे आसपास का जो हवा है, जो वातावरण का हवा है, वही हवा इंजन के सिलेंडर के अंदर में आता है। अब आपको तो पता ही है कि जो एयर है वो प्योर एयर तो होता नहीं है, उसमें डस्ट, डेब्रीज, गंदगी, धूल, मिट्टी, इन हवा में सब कुछ होता है। अब देखिए, अगर गंदा हवा इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाता है तो वो इंजन के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पहुंचाता है, इंजन पावर सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सही से बर्न नहीं हो पाता है। इसीलिए गाड़ियों में एयर फिल्टर एलिमेंट को दिया जाता है। अलग अलग शेप में अलग अलग गाड़ियों का होता है, लेकिन सब में होता जरूर है। बेसिकली जैसे नाम से आपको मालूम चल रहा है कि जो एयर फिल्टर होता है वो हवा में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी डेब्रीज है, उसे हवा से अलग करके प्योर हवा इंजन के सिलेंडर के अंदर भेजता है। आसान लफ्जों में कहें तो एयर को फिल्टर कर देता है, ये जो हमारा एयर फिल्टर एलिमेंट है। इसी वजह से हर सर्विसिंग में, जो हमारे बाइक का या दूसरी कोई भी गाड़ी का सर्विसिंग हो, वहां पे एयर फिल्टर एलिमेंट को साफ जरूर से किया जाता है। लेकिन अक्सर लोग मिस क्या कर देते हैं कि इसे सही टाइम पे चेंज नहीं कराते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि चेंज कब कराना चाहिए। बेसिकली दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन को आप जरूर से जान ले। पहला कंडीशन ये है कि ऑन एंड एवरेज जो सारी कंपनीज है वो मोस्टली ये रिकमेंड करती है कि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 15,000 किलोमीटर में गाड़ी को चलाने के बाद एक बार, बाइक हो चाहे स्कूटी हो, उसका जो एयर फिल्टर एलिमेंट है उसे आपको जरूर से चेंज कर देना चाहिए। ये एक एवरेज मैंने आपको बता दिया, 15,000 किलोमीटर। अब कंडीशन टू ये है कि अगर आप जहां पर रहते हो वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ता है, तो मैं वहां पर रिकमेंड करूंगा कि आपको हर 12,000 से 13,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद एयर फिल्टर एलिमेंट को चेंज कर देना चाहिए। और इन केस आप उस जगह पे रहते हो जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा प्योर सही है, वहाँ पे गंदगी वगैरह ज़्यादा नहीं है, रोड जो है वो जो हमारा मिट्टी वाला रोड है उस तरह के रोड नहीं है, तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 15,000 से 1,000-2,000 किलोमीटर आगे भी जा सकते हो। 16,000, 17,000, 18,000 किलोमीटर इस अराउंड आपको चेंज करा लेना चाहिए। फिर भी ये जो हमारा 15 का जो एवरेज, आपको इसी को लेकर चलना है और इसी के अराउंड आपको अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर एलिमेंट है उसे जरूर से चेंज करा लेना चाहिए। ये बहुत लंबे समय तक इंजन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और आपकी गाड़ी के बेहतर माइलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।